हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपने 1000 रुपीज़ के अंदर में एक USB पावर्ड स्पीकर लेना चाहते थे तो इस वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मेरे पास है जेब्रोनिक्स ब्रांड से आने वाला 2 USB पावर्ड स्पीकर। एक है जेब्रोनिक्स जेब वॉरियर 1 और एक है जेब्रोनिक्स जेब वॉरियर 4। और आज के इस वीडियो में मैं इस जेब्रोनिक्स जेब वॉरियर 1 को या जेब्रोनिक्स जेब वॉरियर 4 के साथ कंपैरिजन करने वाला हूं, और इसका साउंड टेस्ट करने के साथ साथ इसका बेस्ट टेस्ट करेंगे, और इस वीडियो का एंड में बताऊंगा इस दोनों में से कौन सा बेस्ट है और आपको कौन सा स्पीकर को परचेस करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिए, पूरे शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक एंड आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टार अभिषेक टेक्निकल। सो फ्रेंड, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं इस छोटा सा इंट्रो के बाद। स्टार अभिषेक टेक्निकल। दोस्तों, इस दोनों स्पीकर का कंपैरिजन करने से पहले आपको बता दें कि मैं इस दोनों का अनबॉक्सिंग वीडियो मेरे चैनल पे डाल दिया हूँ, और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, और इस मेन वीडियो खत्म होने के बाद आप उसको चेकआउट कर सकते हो। और एक बात, इस दोनों का प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है, तो इसलिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हो। बहुत थोड़ा रुकिए, सबसे पहले इस वीडियो को एंड तक देखिए, उसके बाद डिसाइड करना कि आपको इस दोनों में से कौन सा स्पीकर को लेना चाहिए। दोस्तों, ये जेब्रोनिक्स जेब वॉरियर 1 और ये जेब वॉरियर 4, ये दोनों स्पीकर USB पावर्ड स्पीकर है, जो कि 2.0 चैनल के साथ आता है, और इस दोनों स्पीकर में वॉल्यूम कंट्रोलर भी मिलेगा, बट उसका पोजिशन अलग अलग है। जेब्रोनिक्स जेब वॉरियर 1 में इसका जो वॉल्यूम कंट्रोलर इसका नीचे है, देखिए इसी तरह आपको वॉल्यूम का व्हील मिलेगा। ये जो जेब्रोनिक्स जेब वॉरियर 4 है, इसका वायर का बीच में एक वॉल्यूम व्हील मिलता है। तो चलिए अब इस दोनों का जो बिल्ड क्वालिटी को थोड़ा कंपेयर करते हैं। और ये है जेब्रोनिक्स जेब वॉरियर 1, और इसमें मिलता है प्लास्टिक का बॉडी, बट इसका फ्रंट में मिलता है मेटल का ग्रिल, इसीलिए इसका जो स्पीकर है वो टोटली कवर्ड है। यह है जेब्रोनिक्स जेब वॉरियर 4, और इसका भी जो बॉडी है ये टोटली प्लास्टिक का है, और इसका फ्रंट में मेटल का ग्रिल नहीं मिलता है, तो इसलिए इसका जो स्पीकर है कवर्ड नहीं है। अगर इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स पड़ेगा तो इसका जो स्पीकर डैमेज होने का बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है। इसका पीछे में 2 होल मिलता है, और ये जेब्रोनिक्स जेब वॉरियर का हाइट है 15 सेंटीमीटर, और ये जेब वॉरियर 4 का हाइट है 18 सेंटीमीटर। और इस दोनों को साइड बाय साइड आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। और ये जेब वॉरियर 4 का हाइट तो ज़्यादा है, बट विड्थ में ये जेब्रोनिक्स जेब वॉरियर 1 है, इसका विड्थ ही ज़्यादा है। और इस दोनों स्पीकर का नीचे में रबर का पैडिंग मिलता है, यानी आप इसको जहाँ पर भी रखेंगे ये अच्छे से रहता है, नहीं हिलता है। और ये जेब्रोनिक्स जेब वॉरियर 1 का फ्रंट में मेटल का ग्रिल मिलता है, इसलिए इसका जो वेट है इससे थोड़ा ज़्यादा है। इसका वेट है 732 ग्राम, और इसका वेट है 580 ग्राम। जेब्रोनिक्स का जेब वॉरियर सीरीज में जितने भी सारे स्पीकर लॉन्च होता है, सभी में RGB लाइट देखने के लिए मिलता है। ये जो जेब्रोनिक्स जेब वॉरियर 1 है, इसका RGB लाइट इसी तरह है। दोस्तों, यह जेब्रोनिक्स जेब वॉरियर 4 का RGB लाइट्स, और इसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो है कि आप इसका जो RGB लाइट्स का जो मोड है उसको भी चेंज कर पाएंगे, और इसमें टोटल 5 मोड का ऑप्शन है। और इसमें जो बटन मिलता है, अगर आपने इसको प्रेस करेंगे, देखिए इसका जो RGB का जो मोड है कैसे चेंज हो रहा है। ये है 1, वाओ कितना अच्छा लग रहा है, 2, 3, 4, 5, देन होता है ऑफ। चलिए अब इसका साउंड आउटपुट के बारे में आपको बताता हूँ। इस दोनों स्पीकर में आपको 2 स्पीकर देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको लगता है कि इसका ऊपर में 2 स्पीकर है, नीचे भी 2 स्पीकर है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक स्पीकर है और यहाँ पर भी एक स्पीकर है, इसी तरह इसमें भी यहाँ पर ऊपर में एक स्पीकर है, नीचे स्पीकर नहीं है, और एक है 5 वाट RMS और एक है 5 वाट RMS, यानी ये दोनों मिला के आपको टोटल 10 वाट RMS का साउंड आउटपुट देंगे। इसी तरह ये भी सेम 10 वाट RMS का साउंड आउटपुट देगा, और इसका स्पीकर का साइज सेम होने के साथ साथ इसका जो आउटपुट है वो भी सेम है। तो दोस्तों, आपको तो पता होगा कि ये दोनों स्पीकर USB पावर्ड स्पीकर है, तो इसलिए इसमें USB केबल मिलता है, और इसको पावर देने के लिए आप कोई पावर बैंक नहीं तो फ़ोन का जो चार्जिंग अडाप्टर है
उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपने इसको लैपटॉप या पीसी में लगाते हैं उसमें जो यूएसबी पोर्ट मिलता है वहाँ पर इसका जो यूएसबी केबल है वो डालना होगा, नहीं तो अगर आपने टीवी पे लगाते हैं तो आपका जो एलईडी टीवी है वहाँ पर भी यूएसबी पोर्ट होगा, वहाँ पर पावर दे सकते हैं। और इसमें मिलता है 3.5mm का जैक और आपका जो भी डिवाइस में 3.5mm का पोर्ट है आप वहाँ पर इसको डाल पाएंगे। दोस्तों इस दोनों में सिर्फ ऑक्स के अलावा और कुछ भी फीचर्स नहीं मिलता है, जैसा कि कोई कोई सोचते हैं कि क्या इसमें ब्लूटूथ मिलता है या पेन ड्राइव के लिए कुछ स्लॉट मिलता है, नहीं दोस्तों कुछ भी नहीं मिलता है। दोस्तों अब टाइम आ चुका है इस दोनों का साउंड टेस्टिंग करने का, तो चलिए दोस्तों अब मैं कुछ नॉर्मल सॉन्ग को अब प्ले करूंगा और सबसे पहले वॉरियर वन से स्टार्ट करते हैं। और अब चलाता हूं जेब्रोनिक जेब वॉरियर 4 में। दोस्तों स्पीकर में नॉर्मल साउंड कैसा आता है वो तो आपको पता चल गया होगा, तो चलिए अब इसका बेस टेस्ट करते हैं। बट उससे पहले अब ईयरफोन नहीं तो हेडफोन का यूज कीजिए। दोस्तों ये दोनों स्पीकर का साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी वो तो आपने सुन लिया होगा, तो चलिए अब मैं मेरा वर्डिक्ट आपको देता हूँ। और आपको पता होगा कि दोनों स्पीकर का साउंड आउटपुट सेम है जो कि है 10 वाट RMS और ये भी है 10 वाट RMS, बट ये जेब्रोनिक जेब वॉरियर 4 का साउंड लाउड होने के साथ साथ इसमें जो बेस आता है टोटली क्लियर आता है और इसका जो क्लैरिटी भी बहुत ही अच्छा है। बेस अच्छा आने का जो मेन रीजन है वो है इसका पीछे में इसी तरह दो होल मिलता है जहाँ पर जो बेस होता है एयर पास होता है। जेब्रोनिक जेब वॉरियर सीरीज का ये लार्जेस्ट स्पीकर है इसलिए मुझे लगता है कि इसका जो साउंड थोड़ा अच्छा हुआ है। जेब्रोनिक जेब वॉरियर 1 2 साल पहले लॉन्च हुआ था और मैं इसको 1 साल से भी ज़्यादा हो गया यूज करते आ रहा हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि शायद इसका साउंड थोड़ा भी डाउन हो गया। जेब वॉरियर 1 स्पीकर इतना बुरा भी नहीं है बट ये वॉरियर 4 के सामने इसका साउंड क्वालिटी इतना अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों चलिए फाइनली अब मैं आपको बताता हूँ कि ये दोनों स्पीकर में से आपको कौन सा स्पीकर लेना चाहिए। देखिए दोस्तों अगर आपका स्पीकर बार बार गिरता है और आप नहीं चाहते हैं कि एक ड्यूरेबल स्पीकर को लेने के लिए तो आप इस जेब्रोनिक्स जेब वॉरियर 1 को ले सकते हो, नहीं तो दोस्तों आप आग बंद करके ये जेब्रोनिक्स जेब वॉरियर 4 के साथ जाइए। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले इसका जो साउंड क्वालिटी बेस्ट है और इसका बेस बेस्ट है और इसमें जो RGB मिलता है इसमें 5 mode मिलता है, आप इसको चेंज कर पाएंगे और ऑफ भी कर पाएंगे। हाँ इसका जो प्राइस है वॉरियर 1 से 100-150 ज़्यादा है, फिर भी आप इसको लीजिए और ये दोनों स्पीकर में 1 ईयर का वारंटी देखने के लिए मिलेगा। और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ये दोनों स्पीकर का बेस्ट बाय लिंक दे रहा हूँ, अगर आपका टाइट बजट है तो ये जेब्रोनिक जेब वॉरियर को लीजिए, नहीं तो सबसे बेस्ट होगा कि लेटेस्ट लॉन्च स्पीकर जो कि जेब्रोनिक जेब वॉरियर 4 है इसको आग बंद करके ले लीजिए। दोस्तों अभी तो इस वीडियो खत्म होने वाला है बट उससे पहले बता दूं कि इस वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ हमारा चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले चला जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में तो इतना ही, फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। स्टे होम स्टे सेफ गुड बाय।